हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर मिक्स वेज बिरयानी बना रही हूँ और आप देख ही रहे हैं अपने सामने कि मैंने कितनी सारी सब्जियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और उनको बारीक मैंने कट किया हुआ है। और यहाँ पे खड़े मसाले भी हैं। दूसरा, मैंने राइस को सोक करके रखा हुआ है। लगभग एक कटोरी के करीब मेरे पास ये राइस थे तो मैंने इनको सोक करके रखा हुआ है और आधा घंटे के लिए मैंने इनको सोक करके रखा हुआ है। और यहाँ पर एक आलू लिया है और ये सैफ्रॉन मिल्क है, जिसमें सैफ्रॉन और मिल्क है और बार मिल्क होना चाहिए। गरम, हल्का सा दूध गरम होगा तो सैफ्रॉन को उसमें अच्छा कलर भी आता है। दूसरा, यहाँ पे मैंने मसाला लिया है जिसमें हल्दी और लाल मिर्च है। ये बाकी सारे खड़े मसाले हैं। इसमें मैंने अदरक को के लिए पीस लिया है। और यहाँ पर एक कटोरी मटर है, ग्रीन चिली है, बीन्स है, कैप्सिकम है, प्याज है एक मीडियम साइज, गाजर और कॉलीफ्लावर। बाकी आप इसमें और भी कुछ डालना चाहें सब्जियाँ तो और आप डाल सकते हैं। जैसे मशरूम हुआ, मशरूम वगैरह मेरे पास नहीं थी लेकिन आज मैं यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे इसमें टमाटर लिया है। तो अब मैंने ही जहाँ पर ये सारी सब्जियाँ कट की हुई हैं तो सबसे पहले मैं अपनी फ्लेम को ऑन करती हूँ। तो मैं यहाँ पर बिरयानी किसी हांडी वगैरह में नहीं बना रही हूँ, मैं आज बिरयानी कुकर में बनाऊंगी। और कुकर में कैसे बनाते हैं, झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है और 1 फिसल में ही आपकी ये बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है हमें, हमें इसे सिर्फ देसी घी में बनाना है। और आप मेरा कुकर भी देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लैक मेटल है और ये हांडी स्टाइल में ही फ्यूटेरा है मेरा और प्रेस्टीज का कुकर है ये। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो सबसे पहले मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है 1 स्पून के करीब। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और आप जानते ही हैं पुलाव वगैरह देसी घी के बिना अधूरे होते हैं। खूब सारा देसी घी डालकर ही इसमें खाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा घी भी गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले हींग, वन पिंच के करीब मैंने हींग इसमें डाली हुई है। अब इसमें जाएगा प्याज, आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्याज डाल दिया। और ये जो आलू है इनको मैं पानी से निकाल के इन दोनों को हमें सैलो फ्राई करना है। इसी स्टेज में मैं यहाँ पे बे लीव्स है, यहाँ पर 2 मैंने बे लीव्स लिए हैं। और ये जो मेरा जिंजर है इसको मैं डाल दूंगी। दूसरा, जो मेरे ये खड़े मसाले हैं मैं इनको इसमें कूट के, ये क्यूमिन सीड्स है 1 स्पून और बाकी जो मेरे खड़े मसाले हैं मैं इनको इसमें कूट लूंगी, जिसमें मैंने
पांच से छह मैंने काली मिर्च और छह सात मैंने लौंग ली है, जावित्री ली है, दालचीनी ली है और चकली फूल लिया है। और इन सबको मैं अच्छे से कूट लूंगी। मैं इसको इसलिए इसमें कूट रही हूँ, वैसे आप इसमें गरम मसाला भी डाल दें या पोटली भी डाल सकते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं रहता है। या हमें पहले उसको राइस में उबालना पड़ता है, पर मैं ये डायरेक्ट बिरयानी बना रही हूँ तो इसलिए मैं ऐसा इसको इसमें कूट कर डाल रही हूँ। और अगर मैं इसको साबित ऐसे डाल दूंगी तो बच्चे इन मसालों को, जो खड़े मसाले होते हैं, उनको निकाल कर फेंकते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। तो आप जब कूट कर इसमें डालेंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। काफी बड़े भी खड़े मसाले नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको इस तरह से बारीक कूट लिया है और मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्याज और आलू सोटे हो चुके हैं, सैलो फ्राई हो चुके हैं यहाँ पर। अब ये मैं इसमें ये सब्जियां डाल दूंगी, जिसमें सबसे पहले जाएगा मेरा कॉलीफ्लावर, गाजर, कैप्सिकम और बीन्स, ग्रीन चिली, और ये है मटर जो मैंने एक कटोरी ली हुई है। अब इनको लगभग मुझे 5 से 6 मिनट के लिए इनको सॉटे होने देना है, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी सब्जियाँ सॉटे हो चुकी हैं। अब इसमें मेरा जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली। साथ ही साथ इसमें जाएंगे टमाटर, यहाँ पर ये देसी टमाटर है तो इसलिए मैंने एक लिया है, क्योंकि देसी टमाटर आप जानते ही हैं खट्टा होता है। और हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इस कुकर को लगभग 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, उसके बाद मैं इसमें राइस ऐड करूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मैं इसमें नमक डालूंगी, तो 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड करना है और ये जो राइस है वो उनको ऐड करना है। और एक कटोरी हमें यहाँ पानी लेना है। और जो हमारे पास सैफ्रन मिल्क है हम उसको ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। और हम मैं इसकी फिसल लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर से इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो हमें सिर्फ इसमें 1 फिसल लेनी होगी। और फिसल निकलने के बाद दिखाती हूँ कि मेरी भैंस बिरयानी कैसे बनके तैयार हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिसल निकल चुकी है। और अब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको कि ये मेरी बिरयानी कितनी अच्छी बनी हुई है। और हर राइस चावल में कलर है और एक एक दाना खिलकर बना हुआ है। तो मैं इसकी सर्विंग करती हूँ और आपको प्लेटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेज बिरयानी कैसे बनके तैयार हुई है और कितनी कलरफुल भी है। साथ ही साथ मैंने इसमें दाल पापड़ भी मैंने इसको रोस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर ये बूंदी का रायता है, दूसरा मेरा मैंगो पिकल है। तो ये मेरी बैज बिरयानी वाली प्लेट बनके, थाली बनके रेडी हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और इसे आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं कि ये कितनी कलरफुल और देखने में ही इतनी टेस्ट
अच्छी लग रही है तो खाने में तो ये इसके क्या कहने हैं। तो चलिए मैं ऐसी ही रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।